जी, सबसे पहले जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस लाइव में सबको मेरा नमस्कार प्रणाम, और जितने लोग इस क्यू वाइव को देख रहे हैं उनको नमस्कार और प्रणाम। दूसरी बात, आज पूरे देश के लोगों को बधाई देता हूं कि झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी का आज शपथ ग्रहण हो रहा है शाम 4 बजे, और बहुत सारी बातें हैं पर्दे के पीछे लेकिन अभी उसको नहीं खोलेंगे। लेकिन कुछ आवश्यक सूचना जो कल आई है मेरे तक, वो इस लाइव के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं। कल शाम को उनके कार्यालय से प्रधान सचिव जी का फोन आया था कि चुनाव के पहले जो विश्व भारती जनसेवा संस्थान के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी की मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने 3 डिमांड किया था, जो लिखित समझौता भी हम लोग के साथ हुआ और वो मैनिफेस्टो में भी आया। सबसे पहला था कि जो सहारा से पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लिए सहारा के एजेंट और जमाकर्ता, पैसे के अभाव में दम तोड़ दिए, जिनके पास सहारा का सर्टिफिकेट परिपक्व कर गया, मैच्योरिटी हो गई थी और पैसा नहीं मिला, उनके लिए आर्थिक मुआवजा देने की बात की। एनजीओ ने उनके लिए 10 लाख रुपए का डिमांड रखा है। तो उस पर कल जो आई बात कि आप अपना डाटा बना करके दें, जल्द से जल्द दें, मुख्यमंत्री जी का कल शपथ ग्रहण है और उसके बाद बहुत जल्द इस मुआवजा को हम लोग बांटना चाह रहे हैं। तो इस लाइव के माध्यम से हम तमाम उन झारखंड वासियों से अपील है मेरा कि जिनके घर में इस तरह का घटना हुआ है, चूंकि मेरे पास कुछ डाटा तो पहले से है और कुछ नहीं भी है, तो आप सबों से मेरा सहयोग मांग रहा हूँ कि झारखंड के जितने भी साथी हैं जिनके घरों में इस तरह का घटना हुआ है, या तो उनके परिवार के कोई अगर एजेंट रहे हो जो आत्महत्या कर लिए हैं, वो लोग अपना सहारा का कुछ सर्टिफिकेट्स एक अप्लीकेशन मेरे नाम से दे दें, विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा, यानी कि मेरे नाम से, और एक अप्लीकेशन लगा दें कि आर्थिक मुआवजा जो है हम लेना चाहते हैं, या हमसे संपर्क करें या मेरे कार्यालय में आ जाए, चूंकि हम झारखंड में ही है, मेरा रांची में भी कार्यालय है, धनबाद में भी है। दूसरा, जो लोग सहारा के जमा करता थे और उनका मेच्योरिटी हो गया या उनका एमआईएस का पैसा नहीं मिलने के कारण वो अभाव में इस दुनिया से चले गए, उनके भी नॉमिनी से मेरा अपील है कि आप एक अप्लीकेशन हमको दे दें और सर्टिफिकेट का जेरोक्स लगाते हुए, डेथ सर्टिफिकेट को लगाते हुए, और अगर आप मुआवजा राशि लेना चाहते हैं तो आप लिखिए एनजीओ को कि हमको भी ये लेना है। किसी भी तरह का कोई जरूरत हो मदद करने का तो हमारा कार्यालय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है, निरसा के धनबाद में और रांची में भी है, कहीं भी 2 जगह आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये काम सबसे पहले जो हम लोग को करवाना था उसके लिए हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और कल जो के चीफ सेक्रेटरी का फोन आया शाम, मेरी बात पर आप भरोसा न कर सकते हैं तो आप लोग उसको देखिए तारीख को मुआवजा राशि हम लोग दिलवा पाए, ये सबसे पहले मेरी घोषणा है, सबसे मेरी अपील है। हमने कल शाम से ही सबको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है। दूसरी बात, और जो 2 वादे हैं कि झारखंड का जो पैसा फंसा हुआ है, केवल अभी झारखंड की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की बात नहीं करेंगे, कि जो 3 बातें थी उसमें एक आर्थिक मुआवजा था, दूसरा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है हम लोगों का विश्व भारती की तरफ से, उसमें झारखंड सरकार इंटरफियर करेगा और उस केस को सरकारी केस बनाते हुए वो सारा हायर करके झारखंड का जितना फंड होगा वहां से लेगा और उसी से पूरे देश का भी रास्ता वो लोग खुलवाएगा, इस पर वो लोग काम करेंगे। कोई चूंकि कोई भी राज्य सरकार सबसे पहले अपना ही देखता है, लेकिन उस केस से पूरे देश को फायदा होगा, तो उस केस को भी वो लोग हायर करने जा रहे हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग झारखंड में अधिकारी थे, नीरज पाल के जैसे लोग, ठग चंडाल और बाकी और भी जो लोग जो यहाँ से भागे हुए हैं और देश विदेश में जाकर के अकृत संपत्ति बनाए हुए हैं और विदेशों में छुपे हैं, कोई लखनऊ में छुपा है तो कोई कानपुर में छुपा है, सबके गिरेबान में हाथ डाल करके पकड़ करके झारखंड की जेलों में इनको बंद करना है। तो उस और भी बहुत तेजी से काम हो रहा है, उस सूच का अभी हम लोग खुलासा नहीं करेंगे। तो वो सब ये 3 बातें जो थी, तीनों पर झारखंड सरकार बहुत जल्द बढ़ना चाह रही है, इसमें देर नहीं करना चाह रही है। लेकिन जो झारखंड सरकार के हाथ में 2 काम तो अभी तत्काल है, पहला है मुआवजा बांटना और दूसरा है कि इनके गिरेबान पर हाथ डालना, ये 2 काम जल्द होगा। और जो तीसरा काम है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस में इंटरफेयर करने के लिए, उसका विधानसभा का सत्र शुरू होगा
विधानसभा सत्र में एक बिल आएगा और उसके बाद उस पर भी लोग बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे हैं, लोग धीरज रखें, भरोसा रखें कि हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं आता हूं कि जो आज जी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये तो हुई झारखंड की बात, लेकिन अभी जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट में क्या किसी सांसद ने आपको आश्वासन दिया है कि हम आपके मुद्दे को प्रमुखता से इस सत्र में उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे, सरकार को कहेंगे कि पोर्टल से भुगतान संभव नहीं हो रहा, डिफिशिएंसी हो रही है, आप अविलंब इस कमेटी का निर्माण कीजिए, कमेटी के बारे में कि सरकार उस पर ध्यान दे रही है कि कैसे सहारा की संपत्तियों को सीज करके उनको लिक्विडेट करके पैसे ले करके अविलंब लौटाया जाए, या कौन सा तरीका अपनाया जाए, या तो लिक्विडेट करें प्रॉपर्टी को या जो लिक्विड मनी सरकार के पास और सहारा के पास वर्तमान में है उसको जल्द से जल्द अपने कब्जे में लेकर के उनको लौटाने की प्रक्रिया कैसे की जाए सुगम और जल्द। क्या पार्लियामेंट में इस सवाल को कोई सांसद उठाएंगे? आपने किसी से संपर्क किया है? आपने सुदामा राय की, सुदामा जी की बहुत चर्चा की थी कि झारखंड से अभी उठाने वाले हैं, तो झारखंड से जो सांसद हैं वो इस विंटर सेशन में कोई उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? जी आशुतोष जी, बहुत अच्छा सवाल है। माननीय सुदामा प्रसाद जी जो सांसद है वो झारखंड से नहीं है, बिहार के आरा से है। तो आरा से है जी। तो बातें हुई है बहुत जल्द, अभी तो चूंकि 3 दिन से संसद चल ही रहा है, विधिवत रूप से इसको उठाने के लिए हमसे लोगों से वादा हम लोगों से किए हैं, और ये आप देख पा रहे होंगे ये सारा पॉइंट्स हम लोगों ने उनको बना करके दे दिया है। ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है जो लोकसभा में उठाना है। ये देख लीजिए, दो इसमें टोटल पॉइंट जो है वो 9 पॉइंट है। इस 9 पॉइंट को ऐसे वहां पे संसद में उठाना है। अगर आप चाहें तो इसको हम पढ़ के सुना दें या आपको भेज दें। इसमें पहला नंबर है कि श्री सुब्रत राय ने सहारा के नाम पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया। इस घोटाले के लिए केंद्रीय सहकारी समिति के रजिस्ट्रार, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, जो कि श्री अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय में आती है, सीधे रूप से जिम्मेवार है। ये पहला सवाल होगा। उसके बाद झारखंड में चुनावी जुमले के रूप में अखबार में सहारा के भुखभोगियों को उनका पैसा दिलाने के झूठे वादे करने वाले केंद्रीय भाजपा सरकार ने झारखंड के करोड़ों भुखभोगियों को जले पर नमक क्यों छिड़का है। तीसरा है झारखंड मुक्ति केंद्र भाजपा के जो है ये सवाल है कि वर्ष 2014 के पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता था, परंतु केंद्र में भाजपा सरकार बनते ही श्री अमित शाह जी ने इसे स्वतंत्र मंत्रालय बना डाला और खुद इसके 10 वर्षों से मंत्री बने हुए हैं। क्या श्री अमित शाह जी ने यह काम सहारा इंडिया के सुब्रत राय को मदद करने के लिए किया था जो मंत्रालय बना? दूसरा है, पिछले 10 वर्षों में अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। झारखंड की जनता जानना चाहती कि 10 सालों में श्री अमित शाह ने सहारा इंडिया के लुटेरे पर क्या कार्रवाई की। ये झारखंड की जगह पूरा देश का होगा कि देश की जनता जानना चाहती है। तीसरा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को जेल में बंद करके 25,000 करोड़ रुपए वसूला और इस पैसे को सेबी में जमा कराया। श्री अमित शाह को चाहिए था कि वह इस पैसे को 25,000 करोड़ को तुरंत देश के सहारा के भुखभोगियों को बीच बांट देते, परंतु उन्होंने 25,000 करोड़ में से केवल 5,000 करोड़ ही क्यों लिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया? उसके बाद 5,000 करोड़ श्री अमित शाह जी ने लिया, उसमें उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बनाकर 4 महीने में भुगतान करने का झूठा आश्वासन भुखभोगी जनता को दिया था और जनता से सहकारिता मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करने को कहा था। श्री अमित शाह जी ने इस झूठे झांसे में आकर 1 करोड़ से भी अधिक भुखभोगियों ने 1,000 करोड़ का दावा उस ऑनलाइन पोर्टल पर किया, परंतु श्री अमित शाह के मंत्रालय में 99% उस दावेदारों को झूठ बोलकर खारिज कर दिया। श्री अमित शाह सैकड़ों भुखभोगियों को बताए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उसके बाद श्री अमित शाह के मंत्रालय ने जो 5,000 करोड़ प्राप्त किए थे, जो लगभग 18 महीने होने जा रहा है, परंतु आज तक भुखभोगियों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उसके बाद सुब्रत राय के सहारा इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट उनके जगह पर शपथ पत्र दिया था,
कि देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा उनके द्वारा लगभग 65,000 करोड़ सहारा इंडिया के एमबी वैली में लगा दिया है। श्री अमित शाह बताएं कि पिछले 10 वर्षों में इन्होंने एमबी वैली को बेचकर सहारा के भुक्तभोगियों का पैसा क्यों नहीं लौटाया। उसके बाद है देश भर में सहारा के सैकड़ों भुक्तभोगी आर्थिक तंगी और दिवालियापन से तंग आकर आत्महत्या कर चुके हैं, परंतु भाजपा सरकार, भाजपा के नेता श्री अमित शाह, मंत्रालय के कोई व्यक्ति आज तक इन पीड़ित परिवारों को कोई सुध नहीं क्यों कोई सुध क्यों नहीं लिया। परंतु 2023 में जब श्री सुब्रत राय की मृत्यु हुई थी तो भाजपा के केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी श्री सुब्रत राय के परिवार से मिलने गए, ऐसा भेदभाव क्यों किया गया। उसके बाद है श्री सुब्रत राय की पत्नी श्रीमती सपना राय और उनके बेटे सुशांतो राय एवं सीमांतो राय सभी विदेशी नागरिक बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत विदेशी नागरिक बन गए हैं और उनके बेटे भी श्री राय की लूट से लाभान्वित हुए हैं। इसकी भाजपा सरकार बताए कि इस लुटेरे सुब्रत राय के बेटे